दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं दो लैपटॉप का, जिसमें से पहले एक तरफ आता है यहाँ पे Asus का A15 और दूसरी तरफ है यहाँ पे ZFresh G14। दोनों में क्या डिफरेंस है, आज के टाइम में आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, क्या वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं, आज इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको कौन से प्राइस में कितनी डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इन सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं इस दोनों डिफरेंस क्या है इस दोनों ही लैपटॉप में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। तो जैसा कि यहाँ पे Asus का A15 है, यहाँ पे मिलता है आपको 15.6 इंच का डिस्प्ले जो कि फुल एचडी प्लस के साथ आता है, IPS पैनल है और 144 हर्ट्ज का पैनल देखने को मिलता है, 45% NTSC का सपोर्ट है और यहीं पर दोस्तों 62% sRGB भी मिलती है और 300 nits की ब्राइटनेस है। लेकिन दोस्तों ये आपको सभी मॉडल्स में देखने को नहीं मिलेंगे, जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको 60 हर्ट्ज का पैनल जिसमें मिलता है वहाँ पे मिलता है आपको 56% sRGB और 250 nits की ब्राइटनेस मिलती है। तो ये वेरी करता है अपने वेरिएंट के हिसाब से, लेकिन अगर आप बीच का वेरिएंट लेंगे तो आपको इतना मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे sRGB कम है, कलर एक्यूरेट उतना नहीं है डिस्प्ले, लेकिन ठीक है अपने बजट के अनुसार ये अपने आप को अच्छा परफॉर्म करता है। दूसरी तरफ दोस्तों बात करें तो यहाँ पे G14 की ZFresh की तरफ से जो आता है उसमें आपको मिलता है 14 इंच का डिस्प्ले जो कि फुल एचडी प्लस है, IPS पैनल के साथ आता है और 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है, यहाँ पे 144 हर्ट्ज का नहीं मिलता है। इसी के साथ यहाँ पे 100% sRGB मिलती है और 300 nits की ब्राइटनेस है। तो कलर के मामले में ये लैपटॉप जो है वो काफ़ी आगे निकल जाता है। तो अगर आपको कलर ग्रेडिंग जैसे काम करनी है, जैसे कि आप कलर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे जा सकते हैं यहाँ पे ZFresh G14 के लिए। नेक्स्ट हम दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं रैम और स्टोरेज की। तो दोनों ही लैपटॉप में आपको बेस वेरिएंट जो है वो 8GB से शुरू होती है, DDR4 रैम है और ये इसको आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं 32GB तक यहाँ पे A15 में, जबकि यहाँ पे G14 जो है वहाँ पे आपको 24GB तक बढ़ा सकते हैं 24GB तक। दोनों की जो रैम है वो ठीक है और यहाँ पे जो स्टोरेज है वो आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे, 1TB प्लस 256GB SSD और कहीं कहीं पे यहाँ पे 512GB SSD भी देखने को मिल जाएगा। ये जो स्टोरेज है वो है M.2 NVMe PCIe का सपोर्ट के साथ, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है और एक्स्ट्रा स्लॉट भी देखने को मिल जाते हैं जिससे आप यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे ग्राफिक्स की। तो दोनों में ही सेम देखने को मिलता है यहाँ पे, लेकिन जो यहाँ पे बेस वेरिएंट है A15 में वहाँ आपको 1650 ग्राफिक्स मिलता है 4GB NVIDIA की तरफ से, लेकिन वहीं दोस्तों अगर हम G14 की बात करें तो यहाँ पे बेस वेरिएंट ही 1650 Ti से स्टार्ट होता है जो कि GDDR6 बेस्ड है। तो यहाँ पे अगर आप बेस वेरिएंट लेंगे A15 का तो यहाँ पे आपको 1650 मिलेगा, लेकिन आप थोड़ा सा और पैसा लगाएंगे तो यहाँ पे आपको 1650 Ti देखने को मिलेगा, ताकि ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों में देखने को नहीं मिलता है। तो आपको जो भी यहाँ पे सही लगे वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रोसेसर की, कि कौन सा प्रोसेसर देखने को मिलता है दोनों ही लैपटॉप में। तो दोनों में ही एक्यूरेट यानी सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है Ryzen 5 जो कि 4th जनरेशन के साथ आता है, यानी 4000 सीरीज वाला है, 4600 एच के साथ 3.0 GHz से 4.0 GHz तक इसकी क्लॉक स्पीड मैक्सिमम जाती है। सबसे अच्छी बात दोस्तों कि यहाँ पे जो है 6 कोर्स मिल जाते हैं और 12 थ्रेड देखने को मिल जाते हैं। अगर वहीं आप इंटेल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मल्टी थ्रेड देखने को यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो ये जो है Ryzen 5 वो बेटर निकल गया था यहाँ पे i5 10th जनरेशन से। तो कभी भी अगर आप लैपटॉप खरीदते हैं तो यहाँ पे जो Ryzen 5 है उसे प्रेफर कीजिए, इंटेल को प्रेफर नहीं भी कर सकते हैं अगर आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए तो। नेक्स्ट हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे बैटरी की। तो यहाँ पे मिलता है आपको A15 में 3 की बैटरी है, 48 वाट आवर की बैटरी है और लगभग आपको 6 से 7 घंटे यहाँ पे बैकअप दे देगी यहाँ पे क्लेम करती है कंपनी, लेकिन 3-4 घंटे इससे ज़्यादा आप गेम खेलेंगे तो बिल्कुल भी नहीं देने वाली है। नेक्स्ट दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं यहाँ पे G14 की। तो यहाँ पे आपको 4 की बैटरी मिलती है और यहाँ पे 76 वाट आवर की बैटरी है, तो यहाँ पे आपको लगभग 7 से 8 घंटे की बैटरी बैकअप मिल जाएगी जो कि इनफ है। आगे दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं वेट की दोनों ही लैपटॉप की। तो A15 जो है वो 2.3 kg के ऊपर मिलता है, वेबकैम यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन आपको इस लैपटॉप में जो है वो वेबकैम देखने को नहीं मिलता है, प्लास्टिक की बॉडी है A15 में। जबकि यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं G14 की, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 1.6 kg के ऊपर, यानी कितना हल्का लैपटॉप बनाया गया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं और मेटल बॉडी के साथ आता है, डुअल फैन है और एक फैन में जो है वो लगभग आपको 81 ब्लेड्स देखने को मिल जाएंगे, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। इसी के बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कीबोर्ड की, तो दोनों में ही सही है, लेकिन यहाँ पे आपको 1 Zone RGB कीबोर्ड मिलती है यहाँ पे A15 में, जबकि G14 में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको वाइट लाइट यहाँ पे बैकलाइट कीबोर्ड मिलेगा, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो दोनों ही लैपटॉप अपने हिसाब से काफ़ी सही है, दोनों की जो लुक है वो भी डिफरेंट है। यहाँ पे जो ये A15 है ये बजट लैपटॉप है, तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की गई है, लुक उतनी अच्छी नहीं है,
लेकिन फिर भी ठीक है। लेकिन जो G14 है वो काफ़ी बेहतर रुक आपको प्रोवाइड कराता है। तो अगर आपको एक बेहतर रुक चाहिए, यहाँ पे लैपटॉप का बड़ी बैटरी चाहिए या फिर आपको 100% sRGB चाहिए, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप जा सकते हैं अगर आपका बजट भी अलाउ करता है तो। नहीं तो अगर आप यहाँ पे आपकी बजट जो है वो बहुत ही कम है तो आप यहाँ ASUS A15 के लिए जा सकते हैं, जिसकी रेट जो है वो भी इतनी कम हो गई है कि आप यहाँ पर सोच भी नहीं सकते, 56,000 रुपीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती है। वहीं दोस्तों G14 की जो रेट है वो यहाँ पर 90,000 रुपीज़ से स्टार्ट होती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। हालांकि दोस्तों इसकी जो बिग बिगेन प्राइस है वो मैंने आपको बता ही दी, तो आपको जो भी लैपटॉप पसंद आता है उसे आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। तो दोस्तों आई होप ये जो वीडियो है वो पूरे अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है या फिर सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।